नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको 6 बदमाश नज़र आ रहे हैं और ये 6 के 6 बदमाश, इन लोगों के पास अवैध हथियार बरामद हुए हैं, पिस्टल बरामद हुई है, उनके साथ ही कारतूस बरामद हुए हैं जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले बाड़मेर के समुद्री क्षेत्र के एक मकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई थी। उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें एक आरोपी सुरेश, उससे गहनता से पूछताछ की गई और उसके मोबाइल को खंगाला गया तो कुछ अवैध हथियार इनके पास होने की भनक पुलिस को लगी, जिसके बाद बाड़मेर SP दीपक भार्गव के निर्देशन में बालोतरा DYSP और समुद्री थाना अधिकारी ने लगातार अपनी टीम के साथ पूछताछ जारी रखी और 6 ऐसे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन सभी के पास पिस्टल थी। पुलिस ने 10 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि ये एस मोज और लोगों में दहशत फैलाने के लिए, समाज में दहशत फैलाने के लिए और अपने मित्रों में दहशत फैलाने के लिए सब रखते हैं, मोबाइल पर स्टेटस भी रखते हैं बंदूकों का, पिस्टल का, और ये MP से खरीदते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर SP का क्या कहना है ये मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, 28 तारीख को समदड़ी में इलाके में एक लूट हुई थी दिन दहाड़े, जिसमें कुछ सोने के आइटम और चांदी के आइटम गए थे। तो SHO समदड़ी और इनकी टीम ने तुरंत एक्ट करते हुए 6-8 घंटे के भीतर भीतर ही सारे मुलजिम भी पकड़ लिए और पूरी रिकवरी भी हो गई। उन मुलजिमों से जब पूछताछ करी गई और गहनता से अनुसंधान किया गया तो कुछ अवैध हथियारों के बारे में पता चला। तो SHO समदड़ी डिप्टी साहब और उनके नेतृत्व में यहाँ की टीमों ने दबिश दे के 6 मुलजिमों को अभी गिरफ्तार किया है और उनके पास में 10 अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं। ये लोग कहाँ से लाए, संभवतः MP से लाए होंगे, वो चीज़ें अभी स्पष्ट करनी है कहाँ से लाए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और अन्य हथियार और भी हैं क्या, इस बारे में गहनता से अनुसंधान अभी शेष है। हर एक जने के अपने कारण, बदमाशी के लिए, लूट के लिए, डर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, केवल शौक पूरा करने के लिए, किस वजह से कौन कौन लेके आए हैं वो इंडिविजुअल प्रत्येक से अनुसंधान करके हम स्पष्ट करेंगे। सर, इनमें से कोई ऐसा आरोपी है जो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई? हाँ, ये लगभग गैंग ही है, इसमें जो 6 आरोपी चेला रामपुर सिक्का सुरेश उर्फ उन्ना, दशरथ, रफीक, दीपाराम, नरेंद्र, इसमें नरेंद्र एक छात्र है, बाकी लोग तो गैंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। इससे पहले भी किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया हो या फिर कहीं पर इस प्रकार की घटना से? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो सामने आया नहीं है, पर अभी और देख लेंगे, और कहीं पे भी है तो एक बार हम जब हमारी इस सूचना का आदान प्रदान करेंगे तो ये और मंगाएंगे कि कहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका है या नहीं है। बाकी कहाँ से आया, किस तरह से आया और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ बन रहे हैं, वो फ्रंट और बैक लिंकेज जो है उस पर अभी अनुसंधान पूरा होएगा। सर, इनका क्लू कैसे मिला कि इनके पास में अवैध हथियार है? वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लूट वाले मुलजिम इन्होंने जब पकड़े तो उसमें एक सुरेश राणा जो मुलजिम पकड़ा गया था उसके मोबाइल से पहला सुराग मिला था और उसके बाद में इन्होंने डेवलप किया और उनकी पूछताछ में भी जो ये चीज़ें सामने आई अवैध हथियारों की, तो उसको धीरे धीरे डेवलप करके इन्होंने आज ये कार्रवाई करी है। समदड़ी डिप्टी साहब बालोत्रा उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि कुछ ही समय में इन्होंने 6 मुलजिम भी पकड़ लिए, 10 हथियार भी कर लिए, आगे ये कार्रवाई करते रहेंगे। तो अभी पुलिस मुख्यालय में हमारे महानिदेशक पुलिस के निर्देश में और क्राइम अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देश में एक अभियान भी चलाया गया है अवैध हथियारों और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध, तो उसके शुरुआत में ही इतनी अच्छी सफलता इनको मिली है। इनके जिन जिन का इसमें प्रमुख रोल रहा है उनको अच्छा पारितोषिक और रिवॉर्ड देने के लिए भी अनुरोध करेंगे। सर, क्षेत्र के अंदर जैसे दादाजी महाराज में करोड़ों रुपए की चोरी हुई, स्वर्णकार ज्वेलरी के साथ में लूट हुई, उसको लेकर अभी तक पुलिस के पास बिल्कुल हाथ खाली है, इस पर आप? हाँ, कुछ चीज़ें जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ये भी हुई है, एक ATM भी गया था नगाना क्षेत्र से, 2-3 चोरी और कुछ लूट हैं, तो उन पर भी काम चल रहा है और कुछ लूट भी अभी शेष हैं उस पर भी हमें बची हुई हैं, 4 लूट इस ज़िले की बची हुई हैं और अन्य जगहों की, उन सब पे काम चल रहा है। मुलजिम सुराग कुछ भी चीज़ हाथ आते ही उस पर तुरंत कार्रवाई करके करते हैं,
अब कोई एकदम से जब तक सुराग नहीं मिले, जब तक कोई क्लू नहीं मिले, जब तक कोई हमें लीड नहीं मिले, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है, पर लगातार जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उन पर काम चलता रहता है।